नमस्ते। अभी हर तरफ कोरोना की बात चल रही है और इस विषम परिस्थिति में कवि कुल की सबसे छोटी कलम धनबाद की पावनी आपको यकीन दिलाती है। ये दावा करती है कि ये आया जहां से भी हो हार कर जाएगा हिंदुस्तान से। इसका उद्गम जहां से भी हुआ हो इसका पतन होगा हमारे भारतवर्ष में। और इसी सकारात्मकता के साथ एक गीत लिखी हूँ जिसे आपको भी सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे औरों का उसका भला करे भगवान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। नहीं हिंद कम किसी भांति रण कौशल के इस जौहर में, बल्कि सुनिश्चित विजय हमारी है इस कहर कोरोना से। गम जितना भी बढ़ जाए पर उससे हर्ष का क्या होगा, किसी वायरस से इस धरती भारत वर्ष का क्या होगा। यहाँ काल से करके जंग जीत जाते हैं इंसान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। इस धूलि धूसरित धरती में श्री रामचंद्र के पदरज हैं। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी चंबल से सतलज है। अरे महामारी ये भारत भूमि श्रेष्ठ है रखना ध्यान। सूक्ष्म रूप पर आर्यवर्त में मत हरगिज करना अभिमान। क्यों कर सूक्ष्म रूप धारी इस धरती पर हनुमान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे जो सबका उसका भला करे भगवान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। और बहुत सी खबरें आ रही है कि हो सकता है ये चीन का षड्यंत्र हो, वहां के प्रयोगशाला में उत्पन्न किया गया कोई जैविक हथियार हो। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि अगर चीनी जैविक हथियार है तो औकात का ध्यान रहे। बचपन में हम खेल चुके हैं चीनी बहुत खिलौनों से। धरा पटेगी अरिमुंडों से, क्या होगा अगर ये सच हुआ तो। धरा पटेगी अरिमुंडों से, धारेगी जब खड्ग जवानी। डोलेगा भूगोल भूडोल से, होगी इतनी क्रुद्ध भवानी। घर ये सच निकला तो चीन हो जाएगा शमशान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे जो जग का उसका भला करे भगवान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद।